हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुन एकेडमी। दोस्तों, 3 जुलाई, 4 जुलाई एंड 5 जुलाई को वीडियो आया नहीं। 5 जुलाई यानी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली शाम हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 10 बज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो काफ़ी लेट है। एक्चुअली कुछ पर्सनल इशू था ऑफिस को लेके एंड सॉफ्टवेयर को लेके, एप्लीकेशन को लेके, तो इस वजह से मैं उन सारे कामों में बिज़ी था, तो इस वजह से हमारा ये वीडियो आ नहीं पा रहा था। ऑल राइट, तो अब आगे से वीडियो आएंगे, डेली आएंगे, रेगुलर आएंगे। एंड दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, मतलब हम आज का ये प्रीलिम्स प्लस स्टार्ट करें। प्लीज़ आप सभी हमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब जगह फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो का PDF और हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे सुन एकेडमी के UPSC वाले प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आपको सिंपली सर्च करना है सुन एकेडमी UPSC ऑन टेलीग्राम, या फिर आप इस आप इस वीडियो को पॉज करके, आप इसको स्कैन करके भी हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप सभी सुन एकेडमी का UPSC वाला YouTube का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड उसके बाद फिर हमारा एक दूसरा चैनल है, जो लोग दूसरे एग्ज़ाम लाइक RO, ARO या फिर अन्य स्टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, वो लोग हमारा सुन एकेडमी का दूसरा वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, आप हमारा UPPCS 2023 का टेस्ट सीरीज़ भी है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 9289897575 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। एंड इसके लिए हम एक ओपन मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं 31 जुलाई को, तो आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एंड इस वीडियो का हमारा जो पहला आर्टिकल है, यह है आषाढ़ी बीज। हम अगर आषाढ़ी बीज की बात करें तो ये आषाढ़ मंथ का जो दूसरा दिन होता है, हम उसको आषाढ़ी दिन बोलते हैं। और इस दिन हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेके जाते हैं। एंड ये बेसिकली जो कच्छ रीजन होता है गुजरात का, वहाँ पर सेलिब्रेट होता है। एंड इसका एक ये भी सेंस होता है कि बारिश आने वाली है, मतलब कि बरसात का मौसम, यानी कि वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। एंड इसको एग्रीकल्चर के लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चलिए देखते हैं, ये देखिए, इसको बेसिकली हम गुजरात में सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसको हम बेसिकली कच्छ का न्यू ईयर भी बोलते हैं। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये है जेनेटिक लिंक किसकी, हड़प्पन रेस की। तो इसके बारे में स्टडी हो रही है। एंड ये स्टडी बेसिकली CSIR CCMB में हो रहा था, जिसपे DNA के थ्रू ये पता किया जा रहा है कि उस टाइम का पॉपुलेशन क्या होगा, कहाँ का पॉपुलेशन, राखीगढ़ी का, एंड जो कि ऑफकोर्स हड़प्पन का ही साइट है एंड ये राजस्थान में है। तो जो भी अनुमान है उसके अकॉर्डिंग जो राखीगढ़ी का एरिया था, ये लगभग 550 हेक्टेयर एरिया था, जिसमें से लगभग सिर्फ और सिर्फ 50 हेक्टेयर एरिया जो था वो प्रोटेक्टेड था, बाकी या तो ओपन फील्ड था या फिर मॉडर्न स्टाइल में रहते थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एंड अगर हम बात करें मोहन जोदाड़ो की, तो इसका जो एरिया था ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये 300 हेक्टेयर था, वाइल राखीगढ़ी का एरिया ये 550 हेक्टेयर था, ऐसा अनुमान है। ओके, तो ये यहाँ पे अब जेनेटिक DNA की जांच हो रही है, मतलब DNA को स्टडी किया जा रहा है, सो दैट इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। ऑल राइट, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एंड ये है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है पहले सैटरडे ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई मंथ का जो पहला सैटरडे होता है ये उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया गया है। अब देखिए, जैसे कि जो पहला होता है या 10th होता है या 25th होता है, 50th होता है, 100th होता है, 150th, जो ऐसे चीज़ें होती हैं ना, ये UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अभी इसकी हम बात करें तो ये 100th है, राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें एक हैश टैग है कूप्स डे,
तो ये पूछ सकता है रिसेंटली द टर्म कूप्स डे वॉज इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ, राइट। तो ऐसा कुछ पूछ सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कोऑपरेटिव डेज, ठीक है। एंड कूप्स डे स्लोगन कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये जो थीम है, थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एंड ये है अबाउट इडियट सिंड्रोम के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, यह है इडियट सिंड्रोम के बारे में। हम अगर इडियट सिंड्रोम की बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये टर्म पता होना चाहिए, मतलब कि इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एंड यह है द इंटरनेट डेराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, राइट। एक तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंड हम इसको मेडिकल की लैंग्वेज में साइबर कॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ होना चाहिए पता। अब ये होता क्या है, आप देखिए इसके जो नेम में ही सारी जानकारी छुपी हुई है। इंटरनेट पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट देने में प्रॉब्लम आती है। इज़ व्हेन पीपल ब्लाइंडली ट्रस्ट मेडिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन एंड स्टॉप देयर ट्रीटमेंट अब्रप्टली, राइट, एंड दस लीडिंग टू मेक ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसीज़ हार्ड फॉर डॉक्टर, राइट। तो इसके नाम में ही सारा मतलब छुपा हुआ है, कि मतलब इंटरनेट पे कुछ ऐसी जानकारी है मेडिसिन के बारे में जो कि काफ़ी बार गलत होती है, एंड ये डॉक्टर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो चीज़ कुछ और बताते हैं एंड पेशेंट्स कई बार कुछ और दवाई खा लेते हैं। ड्यू टू इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल एंड पेशेंट ऑन डॉक्टर आर इंक्रीजिंग। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये बेसिकली तेलंगाना में लोकेटेड है, एंड ये फुली ऑपरेशनल हो गया है, राइट। तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो स्टेट पीएससी होते हैं। देखिए, आप चाहे यूपी पीसीएस की करें, बीपीएससी, एमपीएससी, तो ये चीज़ तो सभी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट 100% कहाँ पर ऑपरेशनल है, एंड ये खास बात यह है कि ये फ्लोटिंग है, मतलब कि ये पानी में फ्लोट कर रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये पानी है, इसके ऊपर ये 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का ये फ्लोटिंग है, एंड ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है, एंड इट इज़ पावर्ड विथ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली फीचर। ऑफकोर्स अगर ये सोलर पावर है तो ये टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स अच्छी होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए, प्लस ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही होना चाहिए। एंड द प्रोजेक्ट इज़ स्प्रेड ओवर 500 एकड़, दैट इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बट ये है कि ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, तो स्टेट में एग्ज़ाम में आएगा कि फुली कहाँ पे ऑपरेशनल है, तो दैट इज़ इन तेलंगाना। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। अब जो हमारे पास आर्टिकल है, ये क्लबिंग ऑफ केसेस, मतलब कि एक आदमी के ऊपर अगर दो से ज़्यादा केसेस हैं तो आप उसको उसमें क्लब कर दो। जैसे क्या होता है, जैसे कि आपने कोई ऑफेंस किया है, जस्ट लाइक आपने लेट से चोरी किया है, आपने एक जगह चोरी किया है, राइट, आप उसके ऊपर एक, जैसे कि राम जी हैं, राम जी ने आपके ऊपर केस कर दिया, मतलब आपके ऊपर FIR कर दिया, फिर लेट्स सी श्याम जी हैं, अगर श्याम जी ने भी आपके ऊपर FIR किया है, तो आपने तो एक ही क्राइम किया है, लेकिन यहाँ पे दो या दो ज़्यादा आपके ऊपर FIR हो गए, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि बार बार आपको सेम ऑफेंस के लिए आपके ऊपर FIR हो एंड आपको बार बार सेम सज़ा मिले, राइट। तो यही बात इसमें बोली जा रही है कि आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 का जो सेकंड पार्ट है, मतलब आर्टिकल 20(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट राइट अगेंस्ट डबल जियोपायरडी एंड मल्टीपल FIR ऑन द सेम इंसिडेंट वुड वर्चुअली मीन मल्टीपल ट्रायल, जो कि कोर्ट का ज़्यादा टाइम लेगा, राइट। जैसे कि अर्नब गोस्वामी का केस हो गया था, या फिर 2001 में TT एंटोनी वर्सेस के स्टेट ऑफ केरला में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, वहाँ पे सेकेंड FIR हो चुका था, राइट। तो आपको एक केस के लिए, मतलब आपको एक क्राइम के लिए एक से ज़्यादा FIR होने पर, तो उसमें क्या होगा, उसमें बस
वेस्टेज ऑफ टाइम होगा एंड वेस्टेज ऑफ मनी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो यही इसमें बोल रहे हैं कि एक केस के ऊपर ज़्यादा केस होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो सबको आपस में क्लब कर दो, फिर उसका एक ही बार कोर्ट में जाओ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, ये है माइट उबरोवा के बारे में। ये एक तरह का पैरासाइट है जो कि मधुमक्खियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, राइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज़ रेसिंग टू प्रोटेक्ट हनीबीज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइट, जो कि एक पैरासाइट है दैट रिवेज हाइव अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो उनकी पूरी कॉलोनी होती है मधुमक्खियों की, मतलब जो छत्ता होता है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके थ्रू, माइट वरोवा के बारे में। अब ये देखिए, जैसे कि क्या होता है, जब कोई मधुमक्खी जाती है फूल पर बैठती है, तो वो वहाँ से जाहिर सी बात है कई सारे रस वगैरह लेती है, सो दैट वो जाके अपने छत्ते पर रह सके, और वहाँ पे जो भी उनका प्रोसेस होता है मधुमक्खी को बनाने का, मतलब कि जो सॉरी शहद को बनाने का, वो उस पर काम करे। बट ये जो है, ये है हाई माइट फोरोवा, ये इसके इस बॉडी सेल पे चिपक जाती है एंड यहाँ से ये इसको डिस्ट्रॉय करती है। प्लस इसके बाद ये छत्ते के अंदर चली जाती है, जब ये मधुमक्खी छत्ते पर बैठती है तो ये उसके अंदर चली जाती है। फिर ये वहाँ से ये वहाँ पर बहुत सारे अंडे देती है, हर आधे घंटे में एक अंडे देती है। उसके बाद जो बेबी माइट होता है वो भी पड़ा होता है, वो भी मतलब अगर बेबी या गर्ल हुआ तो उनके भी बच्चे होंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो पूरी कॉलोनी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। तो इससे मधुमक्खियों की वहाँ पर जो लाइफ है वो संकट में आ रही है। अब जो आर्टिकल हमारे पास है, यह है विंडफॉल टैक्स गेन के बारे में। इसका क्या होता है, मतलब देखिए, जब भी आप अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लें, या फिर आपका लाइक छप्पड़ फाड़ के आप जीत जाएं कुछ, या फिर आपको अचानक से धन की वर्षा हो जाए, तो उस पर जो टैक्स लगेगा हम उसको बोलेंगे विंडफॉल टैक्स, या फिर हम उसको विंडफॉल गेन टैक्स बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये क्यों है न्यूज़ में, तो देखिए, जो ऑयल कंपनीज़ हैं इनको अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ रिसेंट टाइम पे, तो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इम्पोज टैक्स ऑन देम बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये टैक्स होता क्या है, विंडफॉल टैक्स इज़ अ हाई रेटेड सडन बिग प्रॉफिट लेविड ऑन पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सेल क्रूड ऑयल इन द डोमेस्टिक रिफाइनरी एट इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस, दिस मेकिंग विंडफॉल गेन। जैसे कि अगर हम ONGC की बात करें तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये था विंडफॉल टैक्स के बारे में, अगर अचानक से आपके ऊपर धन की वर्षा हो जाए तो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। तो ये बेसिकली क्या हमको देना पड़ेगा, मतलब एक कॉमन पीपल तो ऑफकोर्स टैक्स नहीं देंगे, इस पे जो कंपनीज हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अब चलिए, हमारे पास अब जो आर्टिकल है ये है DRDO के अनमैन एयरक्राफ्ट के बारे में। DRDO ने सक्सेसफुल इसका ऑपरेशन भी कर लिया है एंड ये ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर काम करता है एंड ये इंडिया का पहला अनमैन एयरक्राफ्ट है जो इस टेक्नोलॉजी पे ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम अगर इसके फीचर की बात करें तो UAV ये जो है इसको डिज़ाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE, जो कि DRDO का ही एक पार्ट है एंड ये बेंगलुरु में, मतलब कि ये कर्नाटका में है एंड इसका नाम इन्होंने घातक रखा है। अगर इंडिया की बात करें तो इन्होंने इसका नाम घातक रखा है, अगर रेपर की बात करें USA एंड जो प्रेडेटर है वो भी USA का ही है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये कर्नाटका फोकलोर यूनिवर्सिटी के बारे में एंड ये वर्ल्ड का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि कोर्सेज ऑफर करता है इन फोक आर्ट एंड कल्चर के बारे में एंड नाउ अब ये अपने आप को ग्लोबली लेके जाएगा, कुछ और तरह के कोर्सेज लॉन्च करेगा, जस्ट लाइक फोक स्पोर्ट हो गया,
फोक मार्शल आर्ट हो गया, या फिर बम्बू आर्ट हो गया, या फिर फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक टूरिज्म, ये सारे कोर्सेज अब ये देगा, या फिर योगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में है एंड ये अपने आप को वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट माइट बी इम्पॉर्टेंट। ये है फोक आर्ट यूनिवर्सिटी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये है एंट चटनी के बारे में। हम अगर एंट चटनी की बात करें तो इसको काई चटनी भी बोलते हैं या इसको हाउ चटनी भी बोलते हैं। एंड ये बेसिकली उड़ीसा में इस तरह की चटनी बनती है, साथ में छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की चटनी बनती है, मतलब कि मोर देन वन स्टेट। एंड ये उड़ीसा के मयूरभंज से ये आवाज़ उठ रही है कि इसको GI टैग दिया जाए इस चटनी को, एंट चटनी या फिर काई चटनी। अच्छा, ये जो चटनी होती है ये बेसिकली लाल चींटियों से बनती है। ये चींटियाँ ऑफ कोर्स ज़मीन पे नहीं रहती, ये चटनियाँ पेड़ों पर रहती हैं, तो इनकी ये चटनी बनती है। एंड इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट मिनरल पाए जाते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, अमीनो एसिड्स, राइट, इतने सारे इसमें मिनरल पाए जाते हैं। तो अक्सर ये डिमांड हो रही है कि इसको GI टैग दिया जाए एंड इसलिए ये न्यूज़ में है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है PMFME के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। एंड इसको लॉन्च हुए 2 साल हो गए हैं, मतलब इसको इम्प्लीमेंट हुए 2 साल हो चुके हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड जो कि अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है। इसको 2 साल हो गए हैं क्योंकि ये कोविड के टाइम पर लॉन्च किया गया था। उस टाइम पे आप लोग को याद होगा हमारे PM ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। तो इसको टोटल 2 साल हो गए हैं एंड जो इसका टाइम पीरियड है वो बेसिकली 2020 से लेके 2020-14 या फिर 2020-24 टू 2025 तक था। तो इसको 2 साल हो चुके हैं। तो इसमें तो इसका एम क्या था, इसका एम था एम्पावर अनऑर्गेनाइज माइक्रो इंटरप्राइज थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट। अब जैसे अगर हम बात करें UP की तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट चलता है। तो अब इसको पैन इंडिया लेवल पर ले जाने की बात हो रही थी सो दैट सभी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक अगर प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ जाएगी एंड इंडिया में लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे। तो ये था न्यूज़ में। अब चलिए देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये बसली एक तरह से समरी है इसका, राइट, PMFME का ही है समरी। इसमें हम ऑफकोर्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पर फोकस करेंगे, सपोर्ट फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड उसमें फिर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट करेंगे, साथ में सीड कैपिटल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे। तो ये सारे इसके मतलब PMFME में यही सब होता है, PM फॉर्मलाइजेशन ऑन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम के बारे में। सो गाइज, ये था आज का हमारा मतलब आज का तो नहीं था, ये बेसिकली तीन चार और पांच का न्यूज़ आर्टिकल था। दो वाला तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, एक और दो का, तो इसमें बेसिकली तीन जुलाई 4 जुलाई 5 जुलाई का आर्टिकल था एंड ये ऑफकोर्स 6 जुलाई को पब्लिश होगा। तो 6 जुलाई के लिए आज का हमारा जो भी प्रीलिम प्लस है वो थोड़ी देर में वो भी अपलोड हो जाएगा। तो अभी क्या है, ऑफकोर्स आप लोग सुन अकेडमी UPSC को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। हमारा एक दूसरा चैनल है, जो लोग इन एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो लोग सुन अकेडमी UPSC को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीलिम प्लस में। थैंक यू वेरी मच।